शादी ब्याह किसी भी इंसान के जीवन में खुशियों भरा लम्हा होता है और लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं, लेकिन इस परंपरा से परे सांगली जिले के इस्लामपुर में रहने वाले धैर्यशील पाटिल और स्वाति पाटिल का विवाह संपन्न हुआ। संसार उपयोगी सामान पर खर्च करने के बदले 700 आम के पौधों का शादी में शिरकत करने वाले बारातियों को भेंट किया। आपको बता दें कि धैर्यशील पाटिल एक निजी कंपनी में इंजीनियर है, जबकि स्वाति पाटिल मुंबई में नायब तहसीलदार पद पर तैनात है। पाटिल परिवार ने 5 जून पर्यावरण दिवस के मौके पर आम के पौधों को भेंट करते हुए पौधों की देखरेख करने का भी आग्रह किया। जनरली शादियों में लोग नए नए आइडिया, नए नए कुछ चीज़ें याद करते हैं। इस टाइम हमने भी सोचा हमारी शादी में कुछ तो अलग होना चाहिए और वो सारी चीज़ें परे हो, जो अनावश्यक खर्चे होते हैं इससे कुछ अलग हो और हम इस समाज को कुछ देना है उस हिसाब में हो। तो हमने सोचा पर्यावरण के दिन के हिसाब से हम कुछ जनरली गिफ्ट नहीं लेंगे, हम ही गिफ्ट लोगों को देंगे और हमने आम के पेड़ सबको एक एक गिफ्ट दिया है। उस हिसाब से एक एक गिफ्ट हर बंदे ने एक एक पेड़ भी उसका जतन किया तो भी बहुत है। फिर जो डाउरी सिस्टम है उसके हम अगेंस्ट है, वो भी हमको नहीं चाहिए। जो शादियों में जो खर्चे होते हैं, जो चावल वेस्टेज होता है, वो भी हमने उस सब चीज़ों का ये करके दान करने का कोशिश किया है। तो कुछ कुछ नए नई चीज़ें हमने ये किया, उसमें से हमको जो सबसे अच्छा चीज़ लगा, जो हमने पौधे दिए हैं आए हुए कितने भी सालों से, हमको याद करेंगे नए नए फल फूल के हिसाब से। तो आने वाले समाज को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे काम करो जो हम एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से इस समाज को हमको कुछ देना है। यही एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। ऐसे हर बार शादी होती रहेंगी तो सबने कुछ कुछ नया आइडिया लाएंगे तो अच्छे दिन दूर नहीं है, इतना मैं कहना चाहूँगा। तो ऐसे तो सभी लोग शादियाँ करते हैं, लेकिन हमने दोनों ने ऐसे डिसाइड किया था कि हमारे शादी में कुछ तो अलग किया जा सकता है। हमने दोनों ने डिस्कस किया और ऐसे सोचा कि अभी 5 जून को जो जागतिक पर्यावरण दिन है, उसी दिन के अवसर पे हमारी जो शादी 3 जून को है, उसी दिन पे जो भी लोग हमें ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे उनको एक गिफ्ट के तौर पे एक आम का पेड़ दिया जा सकता है। तो हमने कल शादी में सभी लोगों को एक आम का पेड़ दिया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ सभी लोग वो आम के पेड़ का जतन करेंगे और हमें याद करेंगे उसी हिसाब से। और मैं सभी युवकों को यही आह्वान करती हूँ कि वो लोग भी ऐसे ही उनके शादी में कुछ तो अलग करेंगे और जो हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के तरफ उसका जतन करेंगे।